जांच लुक मुझे लिपि है और वर्ण है ना। शुरुआत किया जाए वर्ण से, तो आप लोग साथ रहेंगे बता देंगे सारे से कि धीरे से आके बैठ जाओ, जब हम पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। लगे कि क्लास है, समस्या क्या, मैं अलग ही वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ लगता हूँ कोई नहीं है, हमको दिक्कत होता है, आप लोग रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, हम जल्द पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, तो प्यारे बच्चों महामाया क्लासेज में आपका स्वागत है, और आज हम हिंदी के एक विषय के अंतर्गत वर्ण से वर्णमाला तक का ज्ञान हासिल करेंगे, और सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या है। आप बहुत हो सकता है पहले से जानते हो वर्ण के बारे में, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है या वह छोटा चिन्ह है, लिपि है, कुछ भी कह सकते हैं वर्ण, और यह सबसे छोटा है और अभाज्य है। क्यों अभाज्य है बताइए, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए अभाज्य है। तो वर्ण भाषा की लिख सकते हैं आप, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है विभाग, जो नहीं किया जा सकता है, कैसे विभाजन नहीं किया जा सकता है, कहोगे कि आए नहीं होगा विभाजन, होगा। जैसे आप लिखते हैं कोई अक्षर, ये क लिखते हैं ना, ये पूरा नहीं है, ये आधा क है, इसमें हम एक और जोड़ते हैं अ, ठीक है, यानी बिना इसके सहयोग के हम इसका वर्णन करना हमारे लिए जो है बहुत ही कठिन है, कर नहीं सकते, क है और उसके साथ क्या जुड़ा है, अगर अ न जुड़े तो का उच्चारण हम कर सकते हैं, यानी कि दोनों का उच्चारण, यानी ये दोनों मिक्स वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। तो वर्ड वर्ड क्या है, देखिए वर्ड इसकी इकाई होती है, वर्ड की इकाई, वर्ड की इकाई बारे में हम जानेंगे, पढ़े हम वर्ड के बारे में जानेंगे, वर्ड क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े और नहीं कर सकते या विभाज्य नहीं कर सकते, विभाज्य यानी बंटवारा होता है, बांटना, इसके हम टुकड़े और नहीं कर सकते हैं, एक चीज हो गई। अब आती है बात की भाषा की इकाई के बारे में बात करेंगे कि भाषा की इकाई है क्या, भाषा की इकाई शुरुआत होता है कहां से, हम बात करेंगे कि सबसे छोटी इकाई हम जानते हैं वर्ड, अभी लिखे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और क्या है जिसको विभाज्य नहीं किया जा सकता। अब हम लिखेंगे पहला क्या नंबर होगा आपका बताइए,
वर्ण तो आप जानते ही हैं, बोलिए वर्ण होगा और क्या होगा? अब इससे बड़ा बताइए शब्द होगा, होगा ना? शब्द से बड़ा क्या होगा? क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है, वर्ण होगा, ठीक है, शब्द होगा, वाक्य होगा, और कुछ होगा? एक और आप बता दीजिए, कोशिश करके एक और बताइए, एक और है, वही तो है, क्या है? ठीक है, नंबर चार की हम बात करेंगे, किसकी? भाषा की, ये भाषा है। अब कैसे कहेंगे कि वर्ण कौन है, शब्द कौन है, वाक्य कौन है और भाषा क्या है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्ण, अब चाहे इधर से शुरू करेंगे चाहे इधर से, तो एक एक के बारे में बताया जाए, किसके बारे में पहले बताया जाए बताइए, नीचे से बताया जाए कि ऊपर से? ऊपर से ही बता दिया जाए। ठीक है, और भाषा से समझाते हैं, आप भाषा से समझ जाएगा, भाषा से छोटे करते चले जाएंगे हम। ठीक है, भाषा क्या है देखिए, अब ये चीजें हो गई, अब हम खाली भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है? भाषा है जैसे कहा जाए कि राम घर चल, क्या है? राम घर चल, ठीक है, और क्या कहेंगे? माँ बुला रही है, कुछ समझ में आया? राम घर चल, माँ बुला रही है, एक भाषा समझ में आया ना? कि कुछ कुछ कहा गया, पूरा काम बता दिया गया। ठीक है, ये भाषा है, और उसको जोड़ सकते हैं, माँ घर, राम घर चल, माँ बुला रही है ना, और उसमें जोड़ सकते हैं कि मेहमान घर पे आए, वन ये भाषा बता रहा है, मामा घर पे आए। ये भाषा है किसी, अब भाषा कौन सी है, अब हम जानते हैं कि हिंदी भाषा है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा की ओर इशारा करता है, जब कुछ हमने कहा किसी भाषा में, कुछ कहा हमने अपने भाई से, वह कह रहा है कि राम घर चल, राम घर चल, माँ बुला रही, मामा घर आए, तो एक भाषा की बात हुई। ठीक है, नंबर दो बात होती है, भाषा की बात किसकी बात है? शब्द की, वाक्य, नंबर इधर से चले हैं ना, वाक्य क्या होगा? वाक्य भी उसमें कुछ होगा, अब इसमें एक वाक्य आपको लेना है, चाहे जो ले लीजिए, राम घर चल, यह एक वाक्य हुआ, इसको अलग कर लीजिए, क्या हुआ वाक्य, क्या हुआ? राम घर चल, दो चीजें क्या हुई? शब्द की बात आती है, शब्द में खाली राम लीजिए, ठीक है, अब आती है अंत में किसकी? वर्ण की, वर्ण इसमें क्या है देखिए, वर्ण, वर्ण ध्यान से देखिएगा, ये तो समझा रहे हैं आपको, वर्ण क्या है? र है, धन आ है, धन म है, धन अ है, क्या है? राम है, र एक वर्ण हुआ, आर एक वर्ण हुआ, म एक वर्ण हुआ, ये क्या हुआ? हमने भाषा की इकाई के बारे में जाना, ठीक है, और क्या हमने जाना कि इसको आरोही क्रम में लिखा जाता है हमेशा, सबसे पहले हमको वर्ण चाहिए, उसके बाद शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से, ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं हम वर्ण के भेद के बारे में, ठीक है, वर्ण के भेद के बारे में, ये समझ में आ गया, इतना समझ आ गया ना, एक चीज इसी में और देख लेते हैं।
थोड़ा सा। अब बताइए आप कि जब हम वर्ण लिखते हैं, पढ़ने लिखने वाला जो काम है वर्ण के ही द्वारा होता है, और वर्ण के भेद के बारे में आप जान लेते हैं थोड़ा सा। वर्ण के भेद, ठीक है, वर्ण देखा जाए तो वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद है? वर्ण के दो भेद होते हैं, अब आप जानते होंगे, हो सकता है वर्ण के दो भेद होते हैं, अब बताइए कौन कौन से। अरे इतने सिंपल तो है, स्वर छोटी चीज बता रहे हैं वर्ण से, तो वर्ण के दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि वर्ण आया कहां से, ठीक है, तो वर्ण जो हमारी हिंदी व्यवस्था है, वर्ण के जनक। अब वर्ण के जनक कौन, कोई बताए, वर्ण के जनक पाणिनी के नाम सुने होंगे, महर्षि पाणिनी, संस्कृत वाले महर्षि पाणिनी जो थे वही वर्ण के जनक माने जाते हैं, वही लाए और से लेके ज्ञान तक वही लाए, ठीक है। और जब वो लाए तो वर्ण को संस्कारित किए, क्या किए, वर्ण को संस्कारित किए, और आर्यों की भाषा संस्कृत जो मानी जाती है, तो संस्कारित करना यानी संस्कृत में उसको क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, और वर्ण को देखा जाए तो दो बराबर भागों में वो बांट, मतलब दो भागों में बांट दिए, बराबर तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका अलग है इसका अलग है, और इनकी संख्या, एक वीडियो बनाए हैं देख लीजिएगा, इनकी संख्या 11 होती है, तो 11 को जो स्वर थे उनको अलग दिखाई पड़ा, वो देखे कुछ उनको अलग ही दिखाई पड़ रहे थे, ये अलग दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है, स्वर उनको अलग दिखाई पड़ रहा, क्यों जाते हो, या स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर से स्वतंत्र हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनको अकेला बोला जा सकता है इसलिए स्वतंत्र है, अ आ इ ई उ उ री ए ऐ ओ औ, इन ग्रहों को बड़े आराम से अकेला का तो आप नहीं बोल सकते हैं आधा का, तो इनका बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा योगदान था, कैसे था इनका योगदान, ऐसे था कि इनकी बिना सहायता से एक को कदम नहीं चल सकते, ठीक है, ये दो बराबर भाग, दो भागों बांटेंगे, इसीलिए बांटेंगे कि इनके इनका कार्यक्रम पूरी तरह से अलग है, इनका कार्य एकदम अलग है, यानी कि ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं, इसलिए तो बांट दिया गया कि कुछ दूसरे हिसाब से दिखाई पड़े कुछ दूसरे हिसाब से। तो ये स्वर जो है, इसमें जो है स्वर में आप देखेंगे कि कहानी तो बताएं थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग हो सकता है बहुत बड़ा वीडियो बन गया, तो आप देखिए स्वर के बारे में बता दिया कि ये स्वतंत्र रूप इनका है, इनको उच्चारण करते समय किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, अन्य शब्दों अन्य वर्णों की आवश्यकता इसको उच्चारित करने में नहीं होती, जबकि इसको उच्चारित करने में इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये इनके बारे में बताया जाएगा तो और बड़ा वीडियो बन चुका है यहाँ से, लेकिन जो थोड़ी सी चीजें थी बच गई, ठीक है ना। तो अब क्या आप कौन पढ़ा रहे हो, वर्ण की विशेषताएं आपको बता, ठीक है, वर्ण की विशेषताएं आपको बता दें, स्वर के बारे में बता दिया,
और महर्षि पाणिनि बारे बता दिया है। महर्षि पाणिनि से जो इनके पिता का नाम पाणिनि था, पाणिनि के पिता का नाम पाणिनि था, माता का नाम दाक्षी, ये भी जानते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वर्ण की विशेषता लेते हैं। अब देखिए वर्ण की विशेषता क्या है, वर्ण की विशेषता है कि जिस चिन्ह द्वारा हम ये विशेषता बता रहे हैं भाई आपको, ठीक है। वर्ण की विशेषता है कि जिस चिन्ह द्वारा हम भाषा को लिखते हैं, ठीक है, उन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। उन चिन्हों को क्या कहा जाता है, एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता भाषा की, भाषा क्या हमने बताया पहली विशेषता कि जिन चिन्हों से हम भाषा को लिखते हैं उसको क्या करते हैं, वर्ण करते हैं। एक बार, दूसरी बात कि अब उसी में एक चीज है कि जिन चिन्हों के द्वारा हम भाषा को लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। और यही है कि लिपि, लिपि भी क्या है, वर्ण ही है। लिपि क्या है, वर्ण है। और लिपि कई भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। और एक चीज और कि जितनी भाषाएं हैं उतनी लिपियां हैं। तो विशेषता में आप जानेंगे कि जिन चिन्हों से हम भाषा को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और हर भाषा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ण का, उसी वर्ण को लिपि भी कहा जाता है। आइकन होता है, हर भाषा का अपना एक आइकन होता है, लिपि। और लिपि के बारे में और हम अच्छी तरह बताएंगे, लिपि जब परिभाषा उसकी बताएंगे उसके बताएंगे। और इसके नीचे लिपि है ये, ठीक है। और लिपि क्या है, विशेषता आपको समझ में आ गई, दो से तीन विशेषताएं है इसकी कि चिन्ह, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को वर्ण कहते हैं, और वर्ण किसे कहते हैं उसको उल्लेख देंगे। जिन चिन्हों के द्वारा आप भाषा को लिखते हैं वही क्या है, वर्ण है, वही लिपि है। तो लिपि क्या है, लिखिए अब जिन, अब कह सकते हैं हम कि हर भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, क्या होता है, क्या कर, क्या कह सकते हैं, हर भाषा को यानी प्रत्येक भाषा, हर भाषा को लिखने के लिए चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं, बोलो, लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अपने अपने चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, हर भाषा के अपने अपने चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि ये लिपि क्या है ना, कि भाषा आपकी होगी हिंदी, हिंदी होगी, इसकी लिपि का नाम क्या है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि इसका चिन्ह आप जानते हैं, चिन्ह जाते हैं, नहीं जाते हैं, इतना हिंदी नहीं जाते हैं।
निश्चित है, ठीक है। और अंग्रेजी की लिपि जानते हैं आप? अंग्रेजी भाषा की है ABCD लिपि उसका चिन्ह है। ऐसी तमाम भाषाएं, हर भाषाओं को हम लिख नहीं सकते हैं। अपने हिंदी को आप अच्छी तरह जानते हैं, अंग्रेजी को जानते हैं। और अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी की जो है लिपि कौन सी कहलाती है जानते हैं? नहीं, रोमन, रोमन लिपि होती है और उसका आप चिन्ह जानते हैं ABCD। दो चीजें हमने दो भाषाओं को लगभग जानते हैं, वो जो नहीं जानते हैं ना, और सबको तो नहीं जानते हैं ना, जिसको जानते हैं हम उसका प्रयोग किए कि हिंदी की लिपि देवनागरी है और उसका चिन्ह वही है क, ख, ख, आ, ई, और अंग्रेजी का रोमन है जो कि ABCD के रूप में, ठीक है। ये चीज हो गई, मिटा इसको। अच्छा, अभी आप पढ़े हैं अच्छा एक चीज आप बता सकते हैं, इतना पढ़ाए वर्ड हमारे मन में सवाल आया, हो सकता आप भी आप है। एक ये लिखा है राम लिखे थे आप ना, राम लिखे थे, ठीक है। तो राम में आप क्या लिखे थे? उसी को लिखे थे ना, लिख सकते हैं हम राम आ धन म धन अ। आप बताएंगे आप, और एक है र है म है क है और अ है, ये है ना। ये दोनों में वर्ण कौन है? यह वर्ण कहा जाएगा कि यह वर्ण कहा जाएगा, बता सकते हैं जल्दी बताइए। नीचे वाले नहीं, नीचे वाले ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह भी वर्ण है, यह भी, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से ये सत्य है, किसके दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से सही है, व्याकरण की दृष्टि से यही सही है। और यह पठन पाठन के हिसाब से है ना, यह पठन पाठन के हिसाब से है, इसको क्या कह सकते हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से सही है। और यह वर्ण आप देखेंगे कि यह वर्णमाला की दृष्टि से वर्ण है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वर्ण है, तो इसको हम व्याकरण की दृष्टि से सही है। कभी कभी पूछेगा राम में कितने वर्ण है, अब राम लिखा रहे हैं, राम ऋषि पूछेगा कितने वर्ण है बताइए, ऐसे तो जब पूछेगा राम में कितने वर्ण है, तो व्याकरण की दृष्टि से आप बताएंगे चार वर्ण, ठीक है। और नहीं पूछेगा, जब पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। ये चीज जानते रहिए आप कि ये दोनों सही है, क ख ग घ अलग अलग यह भी वर्ण है। और अच्छा ये बताइए, जब व्याकरण की दृष्टि से हम पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं तो बोलते क्यों नहीं है? हमको ऐसे ही बोलना चाहिए र आ म अ च ल, क्यों नहीं बोलते ऐसा? ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, पढ़ने में लिखने में बड़ी ही कठिनाई। तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है सीधे, ठीक है। वर्णमाला अगला अंतिम, वर्णमाला में दो शब्द बने हैं, एक वर्ण बना है दूसरा है माला, दोनों का अर्थ अगर आप समझ गए तो वर्णमाला के बारे में समझ जाएंगे। वर्ण माने जाते हैं अक्षर, और माला, माला देखे वही माला, माला का अर्थ होता है एक क्रम में पिरोना जो अच्छा है। चार अगर माला गो रहे हैं तो चार अगर गेंदा का फूल लगा रहे हैं तो पांचवें नंबर पे अगर आप
गुलाब का लगाएंगे तो हर चार के बाद गुलाब का एक पचवी में लगाते जाएंगे, एक सुंदर माला बनेगी। ठीक है, ये माला है। तो हम वर्णों को जब सजाएंगे ना, एक के बाद एक ही आना चाहिए, वही वर्णमाला। क के बाद ख आना चाहिए ना, उल्टा लिखे तो वर्णमाला नहीं लगे। तो यही वर्णमाला है कि क्रम में लिखना। वर्णमाला एक वर्ण है, शब्द दूसरा माला, वर्ण माने अच्छा। और आप जानते हैं वर्णमाला क्या है, शब्दों के मेल। अब ऐसे पहले के शब्दों के मेल को वर्णमाला कहते हैं कि ठीक नहीं है ना, शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित दोनों चीज हो। शब्दों के वर्णों, शब्दों के कौन चीज, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से लिखने को ही वर्णमाला कहते हैं। किसको, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। लिख सकते हैं आप। तो वर्णमाला आपको समझ में आ गया होगा। क्रमबद्ध एवं क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से रूप को वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला एक साथ में शीरो देना। जैसे क ख ग घ ङ पांच है ना, अब वो पांच है रहेगा, उसके नीचे च वाली डाली जाएगी। ठीक है, अब एक को इधर से उधर करेंगे तो वह वर्णमाला बनेगा। ठीक है, तो आप हिंदी के अंतर्गत क्या जाने आए, वर्ण से वर्णमाला तक हम पढ़े। ठीक है, और फिर हमने उसमें वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण की इकाई बारे जाना, वर्ण के भेद के बारे में पढ़ा, वर्णमाला की वर्ण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़ा और वर्णमाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से पढ़ाया जाएगा। कितना बहुत बड़ा हुआ।